पर बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का परचम लहराया जाता था। गाइस इस दफा पाकिस्तान के परचम को लहराया नहीं गया। गाइस पाकिस्तान के शायकीन, जो पाकिस्तानी आवाम थी, वो बुर्ज खलीफा के आगे खड़े होकर रात को 12 बजे इंतजार करने लगी कि अभी खलीफा में पाकिस्तान का परचम आएगा 12 बजे। लेकिन 12 बज के एक मिनट तक भी पाकिस्तानी पब्लिक इंतजार करती रही, लेकिन बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया गया। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। गाइस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब दुबई जाते हैं तो बुर्ज खलीफा पर सेलिब्रेशन की जाती है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जाती है और नरेंद्र मोदी को वेलकम किया जाता, वेलकम इंडिया किया जाता। गाइस एक नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग सकती, क्या पूरे पाकिस्तान की तस्वीर नहीं लग सकती थी? इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, वो एक बहुत बड़ी सुपर ताकत है और इकोनॉमिकली भी बहुत आगे है हमसे। मेरी बात समझ नहीं? सिर्फ चीन हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इंडिया के साथ रवाबत बढ़ाने चाहिए बराबरी की सतह पे। बलोचिस्तान के अंदर कल चाइनीज सी पैक पे काम करने वाले इंजीनियर्स को भी हमने देखा ना, क्या हुआ कल? हाँ, ज्यादती है, ये बहुत ज्यादती है। ये हमारी फोर्सेस को चाहिए कि उनको सिक्योरिटी दें, उनकी हिफाजत करें। वो हमारा दोस्त मुल्क है और हमारा हर वक्त साथ देता है वो। जी, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देने जाऊँगा कि पूरी कौम एक हो जाए, ये जो हमारे दिलों में सियासी पार्टियों में नफरतें डाल दी, ये निकाल दें। हम भाई हैं, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में सब कुछ है, वो पहले वाला दौर वापस आ जाए काश। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? अल्लाह का शुक्र। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, नाम क्या आपका? पूरम शहजाद। क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जबरदस्त हो गया सर, 14 अगस्त की तकरीब चल रही है, पीछे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश भी है, क्या लगता है कि हम वाकई में 1947 को आज़ाद हो गए थे हम? सर उस वाले से मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, आज़ाद हुए नहीं, लेकिन भाई ये बच्चों के साथ घूमने के लिए बाहर आए हैं, बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए जस्ट। उस बारे में कुछ नहीं बता सकते? नहीं, उस वाले से आजकल के कॉन्टेक्स्ट के वाले से मैं अभी बात नहीं कर सकता। मैं 1947 की बात कर रहा हूँ भाई। आज़ाद तो आप कह सकते नहीं हुए हैं भाई, जिस तरह का हमारे माशरा है, जिस तरह के हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं, हर एक बंदे की अपनी मर्जी चल रही है यहाँ पे। क्या वजूहत? वजूहत मल्टीपल वजूहत हैं, इसमें सिंगल पर्सन का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप देख लें कितनी महंगाई है, हर बंदा बस महंगाई के चक्कर में पड़ा हुआ है, बस थोड़े बहुत लोग इन्जॉयमेंट के लिए बाहर आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ज़िंदगी तो चल रही है। मतलब कि जैसे भी चल रही है चल रही है। देखें ये तो चलते ही रहना है, 76 ईयर्स हो गए हैं, नेक्स्ट भी ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखें ना आजकल लोग कितने ज़्यादा बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, इसकी कोई रीजंस होंगी। ये क्या कहना चाहेंगे, फ्यूचर क्या बच्चों का, आपके बच्चों का फ्यूचर नज़र आ रहा कुछ? देखें जी हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मुल्क से प्यार है, हम तो यही है कि हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की करे, लोगों को उनकी बेसिक ज़रूरियात, उनकी बेसिक सहूलतें मिलें। हम तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन, बेहतर सहूलियात मिलेंगी इंशाल्लाह। क्या मिलते हुए नज़र आ रही हैं अभी? मिलते हुए नज़र आ रही हैं जो सहूलियात आपकी, जिसकी बात कर रहे हैं आप? कुछ हद तक आपके बड़े शहरों में तो चलें थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन जो ऐसे कहते हैं दूर इलाके हैं या पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर आप कुछ नहीं कह सकते। बड़े शहरों में चलें फिर भी थोड़ा बहुत है एजुकेशन का या हेल्थ का, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, लेकिन हालात ख़राब ही हैं भाई। हिंदुस्तान आज तरक्की कर गया, क्या बात है, पांचवी बड़ी मस्जिद बन गया, कैसे? सर उन्होंने अपनी एजुकेशन पे एम्फेसाइज की है, ठीक है ना, उन्होंने मल्टीपल चीज़ें की हैं। अब मैं इस वाले से क्या कह सकता हूँ, एजुकेशन मेन चीज़ है हमारे यहाँ पे, एजुकेशन एक कारोबार है, ना कि इसे कहते हैं इसको तालीम के तौर पर लिया जाए। क्या रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए हिंदुस्तान के साथ? नहीं मेरे ख्याल से बस ठीक जो जैसे चल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी ज़हनियत वो भी जिस तरह वहाँ के मुसलमानों के हालात हैं, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में उस जैसे हालात तो नहीं है। हम आपके सामने यहाँ पे फ्रीली घूम रहे हैं, वहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा पाबंदी हैं, तो पाकिस्तान कायदे आज़म ने कुछ सोचा था, आज बेहतर है हमारे लिए, तो हम यहाँ पर फ्रीली इंजॉय कर रहे हैं ना। क्या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके हकूक मिल रहे हैं पूरी तरीके से? देखिए कुछ सेगमेंट्स के अंदर आप कह सकते हैं कि उनके साथ कुछ ज़्यादती हो रही, लेकिन मोस्टली बेहतर है। सर अगर मैं बात करूं वहां के जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, सर एजीपी अब्दुल कलाम उन्होंने अपने प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं वो मुसलमान, यहां पर हमारे कोई माइनॉरिटी में से कोई प्रेसिडेंट बना हो कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई, तो इससे साबित होता कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा इज्जत मिल रही है इस हिसाब से, क्या नहीं?
सर वहाँ पे मोदी की गवर्नमेंट आने से पहले ये तमाम चीज़ें आप जो मुझे पॉइंटेड कर रहे हैं चीज़ें, ये बीजेपी की गवर्नमेंट आने से पहले की हैं जब वाजपेयी वगैरह थे, लेकिन उसके बाद आप देख लें ये उनके सेकंड टर्म्स हैं तो उसमें वो देख लें जो वहाँ के हालात हैं वो मज़ीद एडवर्स हुए हैं, बेहतर नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखें ना सोशल गैप लोगों में वो मज़ीद बढ़ा है, ना पाकिस्तान में भी है लोगों में सोशल गैप लेकिन इतना नहीं है। फिर भी वो लोग इतना सब कुछ करने के बाद भी इतना डिवेलप कैसे हो रहे हैं? दुनिया में पांचवी बड़ी मैशत आईटी में दूसरे नंबर पर, उनके मुल्क के अंदर जो मुसलमान हैं वो आप सर्च कर सकते हैं, अगर जो 10 जो बड़े अमीर तरीन लोग हैं हिंदुस्तान में मुसलमान भी 3-4 उसमें आपको मिलेंगे। सर इतना जुल्म होता तो मुसलमान आगे कैसे आ रहे हैं? अगर एक्टर्स आप देखेंगे तो वो भी मुसलमान है, तो सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा हवा बना रहे हैं मुसलमानों को लेकर हिंदुस्तान के बारे में? बात पता क्या है, इंडिया के मुसलमानों के साथ जॉब वगैरह हमें से कोई कंसर्न नहीं है, हमें अपने मुल्क है भाई, हम सुबह अपने ऑफिस जाते हैं शाम को आते हैं। हमारे मुल्क में आप देख लें इसे कहते हैं रूल्स ऑफ लॉ का तो इतना कंसेप्ट है ही नहीं, मैं अब इस वाले से क्या कहूँ यार। आप जी दुबई, दुबई की बात करते हैं सर, दुबई ने भी पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया, दुबई के बुर्ज खलीफा में भी कल हमारा सेलिब्रेशन नहीं हुआ, झंडा भी नहीं लगाया गया हमारे, क्या कहना चाहेंगे? दूसरी तरफ हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी कहते हैं उनकी तस्वीरें लगाकर जे जे होकार हो रही है, हमें बायकॉट क्यों कर रही दुनिया अगर हम इतने ही अच्छे हैं तो? मामा का दो ये मामा दो सर, बात पता क्या है कि आप देखें आपके फॉरेन रिजर्व क्या हैं, आपकी इज्जत क्या है, आपके एक्सपोर्ट्स क्या हैं, आप जस्ट इंपोर्ट ही करते हैं आप इंडिया के, मैं अभी कल सुन रहा था उनके फॉरेन रिजर्व हैं 600 बिलियन डॉलर, हमारे कितने हैं, हमने कभी उधर से पकड़ लिए? दुनिया उसी की इज्जत करती है जिसके पास है कुछ पैसा है, ठीक है ना? मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ लेकिन दूसरे किसी मुल्क से नफरत भी नहीं करता। सर मैंने आपको, आपने मुझे क्वेश्चन खुद किया था कि हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी का, मैं कहा यार आई हेट हिम, मुझे वो बुरा लगता है, तो ये मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना आपको, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। सर मैं बता रहा हूं अगर रिलेशन हमारे बिल्ड हो जाते हैं, आज मैं रिलेशन की बात कर रहा हूं, मेरा पर्पस यहां पर बात करने का ये है कि रिलेशन बिल्ड करके साथ हमारे रिलेशन हो ही नहीं सकते, वो हमारे मजहब के साथ वो दुश्मनदारी करते हैं, हमारे मजहब को बुरा भला, उधर उधर इंडिया में कितने मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है आप मुझे ये बताएं। आप मुझे अच्छा सर उधर क्यों नहीं वो चांद बनाते? एक मिनट, बड़ा नरेंद्र मोदी को लेके घूम रहे हैं, नहीं आप बड़ा नरेंद्र मोदी को घूम रहे हैं, आपको उधर मुसलमान मुसलमान बहन भाई नजर नहीं आते जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, वो नहीं नजर आ रहे हैं? हमारे मुसलमानों पे मैं आपको जवाब देता हूं, मुसलमानों में जुल्म करा रहा है, हमारे कश्मीरियों में जुल्म करा रहा है, मैं आपको जवाब देता हूं, आप मुझे बोलने तो दें, आप मुझे बोलने बोले आपने होनी की बात है, तुम बोलो बोलो। अब मैं बोलता हूं सर, जुल्म की बात करेंगे आप, कराची के अंदर कुछ एक महीना पहले की बात है, 2 मंदिर तोड़े गए, हुआ ना मुझे नहीं पता फैसला, आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको, वो पता है लेकिन हमारे अपने अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता। अच्छा। गलत चीजें बुरी चीजें यहाँ पर भी है। अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ सियालकोट के अंदर क्या हुआ, एक बंदे को जो कि नॉन मुस्लिम था जो कि हिंदू था उसको मारा गया, रोड पर आग लगा दी गई, मुझे नहीं पता। एक हुआ ना नहीं पता। हुआ मंदिर के बारे में पता, कराची के मंदिर, सुन ले मैं पीस के लिए आया हूँ, बात करने का पर्पस ये है कि अगर कीड़े उठाएंगे तो दोनों तरफ है। वो हमसे सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो हिंदुओं की तादाद 21% थी, माइनस होगा कम होगा 1% रह गई, बाकी हिंदू कहाँ गए? सर दोनों तरफ है नफरतें, गलत चीजें दोनों तरफ है मेरे भाई हैं आप, मेरा रिसर्च है दिन भर का, मैं दिन भर में 100 लोगों से मिलता हूँ, मेरा काम ही यही है पीस पैदा करना, मैं नफरतों से कुछ भी नहीं मिला। ये दिन है हमारी जाति का, आप भी जाति करें 14 अगस्त की, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जाति को पीस यही है कि भाईचारे से रहना चाहिए, हमें अमन इख्तियार करना चाहिए, किसी को हमारे इस्लाम में तो ये भी है कि हम किसी जानवर को भी उसकी बगैर रीजन पे कोई वट्टा नहीं मार सकते, जानवर के ऊपर, ये तो हम फिर इंसान है। बिल्कुल सही, बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत आप कुछ कह रहे हैं। और पहले तो सबको जश्न आजादी मुबारक, ठीक है, पहले तो हमें मोहम्मद अरफी से प्यार से तहल्लुक से पेश आना चाहिए, ठीक है, जिस बात की तो हर कोई हो जाता है अपने 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 ईमान, बस दुआ करो अपने ईमान की फादर फरमाए, और इंशाल्लाह वक्त तो गुजर ही जाना है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये भी निकाल देगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कामयाब हुआ है और हमेशा कामयाब होगा, मेरी दुआ है, और हम इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान के साथ हैं, कभी जब तक हम एक ना होते, पहली बात जब तक हम एक ना होते ये मुल्क को कोई डिफॉल्ट कर सकता, और दूसरा हम, और मैं कहता हूँ जज्बाती बना के लूटा गया, अगली बात ये है कि हम सबको ना अपने कश्मीरी भाई लेके दुआ करनी चाहिए, इंशाल्लाह वो भी आज़ाद होगा, तो मैं उनके लिए दुआ करूँ अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, और इंशाल्लाह हम सब एक हो जाए ना, एक हो जाए,
तो कोई भी हमें अब एक होंगे 76 साल हो गए यार हम मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह जब हम कहते हैं इंशाल्लाह तो हम हो जाएंगे इंशाल्लाह का मतलब है इंशाल्लाह बहुत मेरी बात सुनो बहुत दुश्मन आते हैं बहुत मुनाफ़त आते हैं लोग मनाई डाल ही देते हैं बीच में तो इंशाल्लाह मैं यही कहूँगा कि अपना ईमान की हिफाजत करें अपने ईमान से प्यार करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान बनेगा कश्मीर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का आज़ादी का मौका एक बात इसमें भी कर लेते सर कश्मीर के अंदर आटा 25 रुपए के जी मिल रहा है यहाँ पर 160 का 160 का नॉर्मल आदमी खा रहा है क्या वो 25 को छोड़कर 160 हम मेरी बात सुने और मेरी बात सुने यार अल्लाह पाक ने ना हमें बड़ा नवाजा हुआ है हमें अल्लाह पाक ना हमें ड्रैक्ट नवाजते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने हमने रोना रोना धोना नहीं ये महंगाई है ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह खत्म होगी ये महंगाई खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत जो है ना वो अल्लाह का है और इंशाल्लाह रिज़क किसके ज़िम्मे है अल्लाह के अल्लाह ने हमें रिज़क देना है और इंशाल्लाह ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी यार इंशाल्लाह हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे अल्लाह पाक बहुत जल्दी हमें तरक्की दे ये मुल्क चल रहा है अपने खुदा के उनपे हमें अपने खुदा के ऊपर चल रहा था मैं आपको बता रहा हूँ 71 को हमारे हमें सर हमें यही हमारे जज्बात जो मर्जी को लूटे जो मर्जी को लूटे अल्लाह फिर खजाने को भर देता है जो मर्जी को लूटे सर 71 में हमसे बांग्लादेश छीन लिया गया हम आंखें बंद करके देख रहे हैं खोल के नहीं देख रहे हमें आंखें खोलने की जरूरत है हम इतना नुकसान बड़ा नुकसान करवा लिया हमने सर हमें ऐसा आप मुझे जवाब दें इसी बात का आप जवाब दें क्या होगा क्या करना चाहिए आप बताओ हमें 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 फैसला करना है छोड़े एक छोड़े माइक छोड़े चले ऐसे चले मैं एंकर हूँ आप बताइए क्या करना चाहिए सर हमें ये करना चाहिए सबसे पहले हमें हिसाब लेना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम पर सबसे पहले तो हमें नफरतें खत्म करने की जरूरत है नफरतें उससे जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं सबसे पहले आप अपने पड़ोसी के साथ बुरा करेंगे आप कभी सुख में रहेंगे हमने कौन से हमने अपने कौन से पड़ोसी से बुरा किया बुरा हमने किसी के साथ नहीं किया मैं कह रहा हूँ जो रिलेशन खराब है उनको बिल्ड करने का जरूरत है रिलेशन खराब है आप मुझे बताएं इंडिया के साथ चार जंगे लड़ी क्या हासिल किया किसको ज्यादा नुकसान हुआ हमें या फिर उन्हें अगर इंडिया मेरी बात सुने अगर इंडिया हमसे हाथ बनाना चाहता है तो फिर वो हमारे मुसलमानों के ऊपर क्यों जुल्म कर रहा है अगर हम हमसे हमदर्दी जिताना चाहता है तो फिर हमारे कश्मीर मुसलमानों पर क्यों जुल्म कर रहा है मुझे ये बताएं आप मुझे बताएं कि जो यहाँ पर कश्मीर के अंदर सॉरी जो कराची के अंदर आप कराची नजर आ रहा है इंडिया मुसलमान नजर आ रहे हैं मेरी बात सुनो दो बंदों को डिस्कस कर रहे हैं मेरी बात सुनो मैं दो करोड़ बंदों की बात कर रहा हूँ यार मेरी जान मैं वही बात कर रहा हूँ आपको दोनों तरफ खराब है बताएं। दोनों तरफ मामला खराब है कैसे नहीं दोनों तरफ मामला खराब है यहाँ तो मामला इतना खराब ही नहीं है जो 21% हिंदू कहा अगर आपको मीडिया